हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल इन्फॉर्मेटिव। और आज हम रियल इन्फॉर्मेटिव में बात करने वाले हैं सर्टिफिकेशन एंड गाइडलाइंस के हवाले से। ये जो फिल्म्स तो हर कोई देखते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर कोई फिल्म देखता है जब भी इसको टाइम मिलता है। तो ये जो आपने कभी इसका सर्टिफिकेट देखे होंगे, शुरुआत जब होती है तो यू का निशान होता है। तो इसका बेसिकली मतलब है क्या, आपने कभी सोचा है? आपने कभी नहीं सोचा होगा, कभी गौर किया है आपने? नहीं ना। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है, इसकी कितनी कैटेगरियाँ हैं सर्टिफिकेट की। तो ये यू का बेसिकली मतलब ये है कि अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक से जो है ये सुइटेबल फॉर ऑल एजेस ग्रुप्स। तो इसका जो है यानी कि यू का आप कहीं भी सर्टिफिकेट में ये निशान देखोगे आपको पता चल जाएगा इसको जो है हर एज का, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर एज का जो है इस फिल्म को देख सकता है। ये देखने के लायक, इसमें कोई ऐसे बुरे वगैरह सीन वगैरह नहीं होगी, हर कोई देख सकता है। और आगे बढ़ते हैं, ये जो निशानी है यू ए, ये तो आपने देखे होंगे। ये इसका मतलब ये है कि जो भी 12 साल से कम वाले बच्चे हैं या 12 साल के हैं, वो अपने वालदेन के साथ ये मूवी देख सकते हैं। अपने जो है पेरेंट्स गाइडलाइन फॉर चिल्ड्रेन अंडर एज 12, 12 साल के जो हैं या उसके कम वाले, वो अपने माता पिता के साथ देख सकते हैं, माँ बाप के साथ। ये है यू ए का मतलब। आगे बढ़ते हैं, जहाँ आप एक देखो कभी भी, क्या आपको पता है ए का मतलब है क्या? यहाँ पे इसमें ये है कि अबोव जो 18 प्लस हैं वो आप देख सकते हो। इसमें एडल्ट मूवीज़ वगैरह जो आते हैं, सीन वगैरह इसमें आ जाते हैं। सुइटेबल फॉर 18 ईयर्स एंड अबोव, ये उसके लिए है कि आपकी 18 प्लस उम्र एज है तो आप ये देख सकते हो। इसमें एक ऐसे काफ़ी सीन्स आ जाते हैं, कोई मसला नहीं, आप देख सकते हो। अगर आप 18 प्लस हो तो आप देख सकते हो। और अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये स्पेशल बनाई गई हैं। जहाँ भी आप एज देखो, ये स्पेशल ग्रुप के लिए, स्पेशल पीपल के लिए बनाई गई हैं। जैसा कि इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ऐसे जो खास खास जो है लोग होते हैं, ये उनके लिए फिल्म जो है बनाई जाती है। तो आई होप के यू का मतलब आपने समझा होगा, यू ए का मतलब। और सिर्फ ए जो है, एस जो है, ये चार कैटेगरियाँ सर्टिफिकेट होते हैं ये जो फिल्म में दिए जाते हैं। सेंसर ऑफ बोर्ड ये इनको पहले मूवी देखती है, इसको सही लगती है, उसके बाद ये पास करते हैं, तब जाके वो मूवी चला सकते हैं, वरना नहीं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और आज के बाद आप ये भी ध्यान करोगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।